हाय, सो लेट्स सॉल्व वन मोर एग्जांपल ऑन रिलेटिव मोशन. अब यहाँ पे रेन एंड मैन का प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये कुछ अलग प्रॉब्लम है, बट ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ. तो आपको अभी वीडियो को पॉज करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और फिर इसको सॉल्व करना है, और उसके बाद आप सोल्यूशन देखोगे. नाउ पॉज द वीडियो. अब देखते इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. अब देखो, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे. अब इसका मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब क्या है. अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द रोड एंड देन ही इज होल्डिंग इज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल. मतलब इसका मतलब होता है कि रेन कुछ 30 डिग्री विद द वर्टिकल आ रहा है, एंड एज मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड, तो रोड मतलब ग्राउंड, तो ग्राउंड एंड मैन का वेलोसिटी भी सेम है, विच इज जीरो. तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन है, मतलब रेन कुछ ऐसे आ रहा है. तो हम लोग पहले इसको ड्रॉ करते, सो लेट्स से दिस इज माय वेलोसिटी ऑफ रेन का वेक्टर, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा. दिस इज माय वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अब ये जो एंगल है, इट इज 30 डिग्री विद द वर्टिकल, तो ये एंगल यहां पे दिया हुआ है, इट इज 30 डिग्री. अब ऐसे पकड़ के भी खड़ा रह सकता था या ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था, तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया है. सो दिस माय वेलोसिटी ऑफ रेन, लेट्स से. अब देखते हैं आगे क्या दिया है. नाउ ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर. अब यहाँ पे देखोगे, ही कैन थ्रो द अम्ब्रेला एंड ही कैन स्टार्ट रनिंग टूवर्ड्स हिज राइट और टूवर्ड्स हिज लेफ्ट. तो अभी हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, हम लोग बाद में देखेंगे किस डायरेक्शन में भागेगा. यहाँ पे और दिया हुआ है, ही फाइंड्स दैट द रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली. अब जैसे ही भागता है, रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, इसका मतलब होता है फॉर हिम, सो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज गोइंग टू बी इन वर्टिकल डायरेक्शन. तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे. सो यहाँ पे और एक चीज दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन. सो इज माई वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इट इज वर्टिकल. सो इट इज अलॉन्ग, दिस इज माई वाई एक्सिस एंड दिस इज माई एक्स एक्सिस. सो द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज अलॉन्ग वाई एक्सिस. तो यहाँ पे उसका कुछ वैल्यू दिया नहीं है. अब देखते हैं पूछा क्या है. पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू द रोड. सो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ रेन का मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है एंड विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन. सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड पूछा है. तो जो दो वेक्टर्स है यहाँ पे, इनका मैग्नीट्यूड मतलब इसका लेंथ मुझे पूछा हुआ है. चल लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अब यहाँ पे मुझे बताओ, पहले आपके दिमाग में क्या आएगा. पहले आप फॉर्मूला लिखोगे. तो हम लोग पहले फॉर्मूला लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन की वैल्यू कितनी होगी. वेलोसिटी ऑफ रेन होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन. देखो सब जगह एक ही फॉर्मूला काम आएगा, दिस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. ये मेन फॉर्मूला है. अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन क्या आया, इन दोनों का वेक्टर एडिशन. अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ रेन कुछ इस डायरेक्शन में है. सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन को पहले ही मैंने ड्रॉ किया हुआ है. अब इन दो वेक्टर्स को मैं ऐड करूंगा तो मुझे ये वेक्टर मिलेगा. तो लेट्स ड्रॉ दिस वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का वेक्टर. तो आई विल शिफ्ट दिस हियर. तो मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ. तो लेट्स से मैं इसको शिफ्ट करने के बाद कुछ यहाँ पे आएगा. तो मीन माई वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कुछ ऐसे दिखेगा. सो इज माई वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन. इस वेक्टर को मैंने जस्ट यहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है. अब मुझे बताओ, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इधर है और वेलोसिटी ऑफ मैन को मुझे ड्रॉ करना है इधर ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव एक्स एक्सिस. बताओ मैं इस केस में वेलोसिटी ऑफ मैन को कैसे ड्रॉ करूंगा. इन दोनों का रिजल्टन ये है, तो ऑब्वियसली मैं इसको कुछ ड्रॉ करूंगा ऐसे. सो इज माई वेलोसिटी ऑफ मैन. अब ऐसा क्यों ड्रॉ किया मैंने, देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन इस डायरेक्शन में क्यों होगा, वाई इट इज टूवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि यहां पे आप देखोगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वेलोसिटी ऑफ रेन, और रिजल्टेंट कभी भी इन दोनों के अंदर होता है. अब वेलोसिटी ऑफ मैन का मैग्नीट्यूड कितना हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड है कुछ 10. अब यहां पे ट्रायंगल लॉ ड्रॉ करते हैं. अब ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कुछ इस डायरेक्शन में है, तो मैं इसको यहां पे ड्रॉ करता हूं. सो दिस इज माय वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन. सो इज माय वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और ये 90 डिग्री है. अब एंगल हो गया 60 डिग्री.
अब आप देखोगे तो आई कैन राइट cos 60 इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड, दैट इज माई वेलोसिटी ऑफ मैन का मैग्नीट्यूड, डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन का मैग्नीट्यूड. तो वेलोसिटी ऑफ रेन का मैग्नीट्यूड मुझे पूछा हुआ है, सो वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन इज 10. तो 10 डिवाइड बाय cos 60 विच इज हाफ, तो आई विल गेट वेलोसिटी ऑफ रेन एज 20. सो इट इज 20 किलोमीटर पर आवर. तो अब लेट्स कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन. अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब इस ट्रायंगल में माय साइन 60 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस विच इज वेलोसिटी ऑफ रेन. सो अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल. सो नाउ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज गोइंग टू बी साइन 60 इंटू वेलोसिटी ऑफ रेन. सो वेलोसिटी ऑफ रेन इज 20 इंटू साइन 60 विच इज रूट 3 बाय 2 विच इज इक्वल टू 10 रूट 3 किलोमीटर पर आवर. अब देखो मुझे इसमें कितना टाइम लगा, सिर्फ जो टाइम लगा वो क्वेश्चन पढ़ने में और इसको ड्रॉ करने में. तो ऐसे क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाने चाहिए. सी आपको एक ही फॉर्मूला लगाने, विच इज वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन.